फिर नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं। वो बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, उनकी वीडियोस आप गाए बगाए सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और उनकी वीडियोस धमाल कर रही हैं सोशल मीडिया पे। बड़ी डिफरेंट और यूनिक किस्म की वीडियोस बनाती हैं, उनका म्यूजिक भी बड़ा यूनिक है। उनके म्यूजिक को आज आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी सुनेंगे और वैसे आप उनके म्यूजिक को और उनकी वीडियोज को जानते हैं पहचानते हैं, उनके फॉलोअर्स में से हैं और उनको प्यार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है जी, बिल्कुल अल्लाह का करम। आपने गेटअप भी बड़ा जबरदस्त बनाया, जैसे आपका गेटअप वीडियोज में होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा आज मेरे व्यूज जो है वो मुझे देखे और प्यार करें मेरे साथ। बिल्कुल जी, आपके व्यूअर्स हमें माशाल्लाह पता चलता रहता है कि सोशल मीडिया पे आप धूमे मचा रहे हैं और बड़ी यूनिक किस्म की वीडियोस बना रहे हैं आप। जी जी। तो ये मुख्तलिफ आइडियाज कहाँ से लेके आ जाते हैं? बस कुछ दोस्त हैं, कुछ खुद भी जहन में आते हैं, पंच करते हैं तो अल्लाह ताला करम कर देता है। अच्छा, आइडियाज आपके अपने होते हैं या आपके डायरेक्टर के होते हैं? नहीं नहीं, आइडियाज हमारे अपने होते हैं। अच्छा जी। बड़े वो टांगे वाला आइडिया बड़ा जबरदस्त है, लाहौर से आपने टांगा ही रेंज कर लिया। हाँ जी सर, मैं कहता हूँ लाहौर में टांगा रेंज करना बहुत मुश्किल था। 3 दिन हमें लगे उसको रेंज करने में, मिला ही नहीं। अच्छा, लेकिन आखिर मिल गया। बड़ा महंगा मिला, बड़ा महंगा मिला और एक बंदे ने उसको बड़ा प्यार से उसको रखा हुआ था। अच्छा, उसके फिर हमने उसे कहा और उसने हमें आपने वो मतलब टांगे पे गाना बनाया, वो पैरोडी बनाई है। हाँ जी बिल्कुल, टांगे पे आजा मेरे टांगे थे। हाँ मेरे टांगे थे चा, मेरे टांगे थे चा। अच्छा, तो लाहौर की सड़कों पे जब टांगा आया तो आपको कोई हर्डल सुनी? ट्रैफिक पुलिस वालों ने नहीं कहा कि ये टांगा कहाँ? नहीं सर, किसी ने कहा नहीं, लेकिन ऑडियंस ने बहुत जो है ना अप्रिशिएट किया। तो वो देख रहे थे कि भी इतने आज के दौर में भी कुछ टांगे वाला ऐसा सीन है कि मेरे टांगे ते चढ़ो, ये कैसा सीन है। वो मुझे कह रही है कि जी शायद ये कार पे आएगा मुझे लेने और मैं उसको स्पेशल टांगे पे लेने। ये, तो ये आपकी वीडियो भी हम गाए बगाए अपने चैनल पे ऑन एयर करते रहेंगे, लेकिन आज हमसे आप गाने भी सुनेंगे। हमारे साथ फारिया मौजूद है। फारिया, ब्यूटी के हवाले से हम जरा कुछ और आपसे पूछते हैं कि 8 साल से आप वाबस्ते हैं इस ब्यूटी फील्ड से, तो बचपन से शौक था या किसी को? शौक था। कैसे मतलब आपको शौक था कि मैंने ब्यूटीशियन ही बनना है और मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल से ना जल्दी आ जाती थी और जितने भी एरिया के अंदर सैलून होते थे वहाँ जाके बैठ जाती थी कि कैसे काम कर रहे हैं। तब एज क्या थी आपकी? मैं 7-8 साल की। अच्छा, बहुत छोटी थी। मम्मा के मेकअप के साथ मतलब खाना खराब कर देना और मतलब बहुत पैशन था कि वीडियोस देखना, मॉर्निंग शोज में भी आके तब बताते थे काफी। तो मुझे बहुत शौक था। मुझसे कोई भी पूछता था तो मैं सबको कहती थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। कोई कहता था डॉक्टर, कोई कहता था इंजीनियर, मैं कहती थी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। मतलब ये पहली हमारे साथ ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद है जिन्होंने सोचा ही हुआ था बचपन में कि मैंने एंकरिंग का भी शौक है आपको? है थोड़ा। चलिए इसको भी हम बढ़ाते हैं, एक गाना सुन लेते हैं जी। आपका ट्रैक रेडी है जी, माइक पकड़िए और जरा म्यूजिक का एक खूबसूरत सा तड़का लगा दें जी। जी क्यों नहीं, बिल्कुल जी। डॉक्टर वसीम साहब को आप ट्रैक रेडी करें जी, ऑन करें। Yeah.
घर जाओगे तो आपको जूते बहुत पड़ने हैं। ये गाना सर बड़े लोगों ने सराहा, बड़ा अच्छा गाना है। आप यार बड़ा म्यूजिक तो आपका अच्छा है ही, आपकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद आई। आपकी वीडियोस में बहुत मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट थीम है, डिफरेंट उनकी मतलब पोजीशन है, टेकिंग एंगलिंग सारा कुछ सर, उसमें मेहनत बहुत है सर। हाँ मेरी जितनी भी वीडियोस हैं लोगों ने बड़ा ही यही बोला कि सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस को